महोबा में कबरई थाना क्षेत्र के स्वामी राग क्रेशर प्लांट के पास क्रेशर मुनीम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक मुनीम के बेटे ने पुराने रंजिश के चलते नगर के ही युवक पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। क्रेशर मुनीम की संदिग्ध मौत को लेकर पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने जिला अस्पताल पहुंच पुलिस टीमों का गठन कर जांच के निर्देश दिए हैं। कबरई थाना क्षेत्र के रमकुंडा पहाड़ सिद्ध बाबा के पास स्वामी राग क्रेशर प्लांट है। कबरई के अम्बेडकर नगर निवासी 43 वर्षीय चुन्नू उर्फ चुन्नूवाद साहू मैनेजर था। मंगलवार को सुबह करीब 9:30 बजे उस पर किया गया तमंचा से फायर, सीधे सीने में फायर कर दी गई। गोली की आवाज सुनकर काम करने वाले लोग भाग कर आए और उन्हें घायल अवस्था में महोबा अस्पताल लाया गया। बताते हैं कि जैसे ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया तो उन्हें अस्पताल लाने वाले वह दोनों लोग वहां से खिसक गए। महोबा के कबरई थाना नगर में रहने वाले चुन्नूवाद साहू कई वर्षों से क्रेशर प्लांट पर बतौर मुनीम काम करते थे। मृतक के बेटे के द्वारा बताया गया, आज सुबह क्रेशर प्लांट पर काम खत्म करने के बाद अपने बेटे के साथ घर जा रहे थे, तभी दीप प्रकाश द्विवेदी के बेटे छन्नू उर्फ आदर्श नामक दबंग आरोपी ने सीधी गोली मार दी। गोलीकांड की घटना के बाद छन्नू द्विवेदी ने मृतक के बेटे को धमका कर इसे एक पटाखा फूटने की घटना आम जनमानस सहित पुलिस को बताने की दबाव बना रहा था। महोबा पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने बताया, चुन्नूवाद बाद नामक एक व्यक्ति का सड़क किनारे पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा डॉक्टरों का पैनल गठित कर पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए गए हैं। अभी जिस प्रकार की भी शिकायत मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये क्या नाम है आपका, क्या घटना हो गई है? विष्णु साहू है, हम यहीं रहते हैं महोबा में, और हमारे वो जो चुन्नूवाद साहू हैं वो ससुर लगते हैं, चाचा ससुर। तो सुना है हमने वहाँ कबरई में कि उनके ऊपर गोली वोली चला दी गई है और यहाँ सरकारी अस्पताल में मृत घोषित कर दिए गए हैं। कितने साल के थे वो? वही 40-45 के लमसम थे। काम करते थे? हाँ, वो क्रेशर में काम करते थे। व्यक्ति आया था कबरई से, क्या हालत है इनका, क्या मतलब किस कंडीशन में आया था? जी अभी जिला अस्पताल महोबा की इमरजेंसी में 2 घंटे पहले एक व्यक्ति आया था जो कि मृत अवस्था में आया था। 2 लोग लेके आए थे, वो तुरंत निकल गए थे। तो उस समय अज्ञात था, बट आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो चुन्नूवाद का नाम का पेशेंट था, कबरई साइड का था। तो वो आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन हमने उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया था। उसके लेफ्ट साइड चेस्ट में मेजर इंजरी थी, लेसरेशन था। उसके बाद हमने मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया था, पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी थी। क्या लग रहा है कैसे उसकी मौत हुई? अब ये आफ्टर पोस्टमार्टम के बाद ही हम बता पाएंगे कि उसको चोट लगने के कारण मृत्यु हुई है या गन शॉट से मृत्यु हुई है। उम्र लगभग 40 के अप्रोक्स होगी, ज़्यादा उम्र नहीं थी। क्या नाम है बेटा आपका? अंशु साहू। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम श्री चुन्नूवाद साहू। चुन्नूवाद साहू, ये घटना क्या हो गई पिताजी के साथ तुम्हारे? पिताजी उसमें गाड़ी में बैठ रहे थे। हाँ। तो बैठ गए थे तो उसने गोली मार दी थी बंदूक से। हाँ? बंदूक से गोली मार दी थी। किसने? छन्नू ने। छन्नू कौन है? आदर वो दीप प्रकाश द्विवेदी का लड़का। ये किस जगह की बात है? स्वामी राव क्रेशर। तो ये किस वजह से गोली, किस वजह से मारी? ऐसे मार दी क्या? गाड़ी में बैठ रहे तो मार दी। किसकी गाड़ी में बैठ रहे थे? आदर्श द्विवेदी की। अच्छा, ये आदर्श किसका नाम, छन्नू का नाम है क्या आदर्श? हैं? तो तुम वहाँ पर थे क्या उस समय? कितने टाइम की बात है ये? 9 बजे के बाद। सुबह 9 बजे? आज सुबह 9 बजे के बाद? हाँ आज। अच्छा अच्छा, तो ये कौन बातचीत हुई होगी, विवाद हुआ होगा? कुछ कुछ नहीं। पैसे मारती थी। अच्छा, तो कहे से मारी थी गोली? वो बंदूक से। कितनी बड़ी थी बंदूक? कम से कम इतनी बड़ी थी। हैं? इतनी बड़ी थी। तो किस जगह मारी थी गोली? स्वामी राव क्रेशर। किस जगह शरीर में, किस जगह लगी थी गोली? इधर लगा के मारी होगी, सटा के। हैं? हाँ, दूरी से मारी थी तो इधर लग गई थी। अच्छा, फिर इसके बाद उसको कहाँ ले गए? फिर पहले यहीं घुमाते रहे, फिर ले गए महोबा। कौन कौन ले गया था?
छन्नू था और प्रांजल द्विवेदी था। हैं? छन्नू द्विवेदी था, प्रांजल द्विवेदी था। अच्छा, ये दोनों लोग काहे में रख के ले गए थे? चार पहिया में। चार पहिया में। और इनको इमरजेंसी में यहाँ जिला अस्पताल में लाया गया और ये डेड थे। मेरी यहाँ पे इमरजेंसी डॉक्टर थे जिन्होंने इनको पहली बार उनको ट्रीट किया था, उनसे बात हुई है और उन्होंने इनका ब्रॉड डेड यहाँ पर होना बताया गया है। अभी इनके बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वो पैनल द्वारा कराने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है अपने अधिकारियों को और इसमें आगे की कार्रवाई जो है। परिवार की गंभीर आरोपों की जाँच हो रही है जी। अभी हम लोग को प्रथम दृष्टया अभी ज़्यादा जानकारी है नहीं, अभी मेरे द्वारा यहाँ हॉस्पिटल में आया गया है, जो भी फैक्ट्स हैं उनकी पूरा संज्ञान लेते हुए इसमें आगे ही कार्रवाई की जाएगी।